بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अच्छा चलो आप भालू के नाम का एक निवाला। नहीं मुझे नहीं गाना है। अच्छा ऐसा करते हैं हाथी के नाम का निवाला। नहीं नहीं मुझे नहीं गाना है। ले लो बाबा। नहीं रिजू ज़ैनबी को तंग मत करो, जल्दी जल्दी खाना खा लो वरना बाथरूम में बंद कर दूंगी। पर मुझे नहीं गाना है। क्यों बच्चे के पीछे पड़ी हो, वो नहीं खाना चाहते हो तो रहने दो। ज़ैनबी ले जाओ इसे बाहर। बच्चे की बड़ी फिक्र हो रही है आपको, तभी तो अपनी बेटी की रस्म उस मासूम से करवाई, मिट्टी तक नहीं दी बेचारी को आपने। लाश कफन कब्रिस्तान ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं दिल पे पत्थर रखकर गई थी वहां और आप नहीं जा सके। नहीं जा सका। हमारी इकलौती बच्ची अब नहीं रही, वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। अब तो उसे माफ कर दो, ये उसकी रूह को भी नहीं बख्शोगे। बेटा तुमने रोहन को क्यों मारा? अच्छे बच्चे तो ऐसा नहीं करते। मैं रोहन से कभी बात नहीं करूंगा। क्यों बोला मेरी मम्मी मर गई? रिसु बाबा तुम्हें मालूम है कल तुमने जिसे मिट्टी में डाला वो कौन थी? नहीं। वो रिसु बाबा की दूसरी मम्मी थी, परियों की शहजादी थी वो। उसका नाम था जुबैदा, उसकी मम्मी थी फयाजी बेगम और डैडी थे सुलेमान सेठ। नाना नानी जैसे? बिल्कुल वैसे। समंदर के किनारे पे उनका एक घर था जहाँ वो अपने मम्मी डैडी और अपने रिज्जू बाबा के साथ रहती थी। जैसे हमारा घर है। बिल्कुल वैसा घर था। एक बार पता क्या हुआ, जब रिज्जू बाबा बहुत छोटे थे ना तो उनकी दूसरी मम्मी लाल परी बनकर फिल्म में नाचने लगी। जब वो हौले हौले नाच रही थी ना तो एक हसीन जवान राजकुमार ने उन्हें नाचते देखा। उसने कहा, अरे वाह कितनी खूबसूरत लाल परी है, इसे तो मैं राजकुमारी बनाकर अपने महल में रखूंगा। बस आनन फानन वो अपने जादू के जहाज में जुबेदा को उड़ा के ले गया। मुझे क्यों नहीं ले गई जादू वाले जहाज में? वो क्या है ना रिसु बाबा, वो अपने रिसु बाबा को लेने आ ही रही थी कि अचानक उसका जहाज गिरकर टूट गया और तुम्हारी दूसरी मम्मी आसमान में चली गई। अब एक सितारे पे उसका घर है। जब रात को वो नाचने लगती है ना तो सितारा टिमटिम करता है। मैं भी वहां जाऊंगा मेरा चंदा। दुनिया क्या जाने मेरा फसाना,
ये वो डांस नहीं है, ये कौन सी रील है? नंबर 4 सर। नहीं, वो जिप्सी डांस रील नंबर 1 में है। बंजारा लड़की की पहली रील मिसिंग है सर, वो शुरू से नहीं मिल रही है। वही तो देखना चाहता हूँ मैं, उसमें मिस जुबेदा का डांस नंबर है। जुबेदा? उस जमाने की एक्ट्रेस थी, बस एक ही फिल्म की थी उन्होंने, ये बंजारन लड़की। आप बम्बई के जुपिटर स्टूडियो में चेक कीजिएगा सर, ये उनका खुद का प्रोडक्शन था, प्रिंट उधर ही से आया था, पूरा लॉट था 7-8 पुरानी फिल्मों का, शायद आपको वहां मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। मूवीटोन का दफ्तर किधर है? जुपिटर मूवीटोन? ये स्टूडियो का ऑफिस। स्टूडियो कब का ठप हो गया? हाँ, बिल्डर का ऑफिस है, हम बिल्डर के वॉचमैन हैं। बिल्डर? हाँ। यहाँ कोई है जो स्टूडियो के बारे में जानता हो? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं साहब। ओ साहब साहब, इकड़े इकड़े। पार्टी खोली मुझे ना, ये एक मानूस है, मातारा मानूस है, डांस मास्टर हीरालाल, त्याला जाऊन विचारा। कौन? हीरालाल जी। कौन है? आप हीरालाल जी हैं? हाँ, मैं हीरालाल हूँ। मैं रियाज मसूद हूँ, फिल्म जर्नलिस्ट हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा, बैठो। आप फिल्म एक्ट्रेस मिस सुबेदा को जानते थे? बैठो। कौन? मिस जुबेदा। जुबेदा, जुबेदा बेबी। मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? एक जमाने में उसका बाप स्टूडियो का मालिक था, सुलेमान सेठ। बड़ा कड़क था साला। एक बीवी उसके घर में थी और दूसरी जुबेदा बेबी स्कूल के बाद हमेशा मेरे पास यहाँ आती थी और शाम को उसके अब्बा उसको गाड़ी में बिठा कर घर ले जाते थे। क्या गाड़ी थी, लंबी सी काली सी। हाँ, ब्यूक।